सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां बड़ी संख्या में, यहां पर वर्दी वाले जवान और इन जवानों के साथ आरपीएफ की टीम की तैनाती। अगर नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगी बैरिकेटिंग और चारों तरफ पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया की मौजूदगी। आज दिल्ली का तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है और तापमान इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर कल जो कुछ हुआ उसने 2 साल पहले हुए दिल्ली दंगों की याद दिला दी। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यहां पर हम आपको बता दें कि हनुमान जी की जो जयंती थी उस मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद जो कुछ यहां होता है वो यकीन मानिए दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर, दो समुदाय के रिश्तों को लेकर बहुत तरह के सवाल जो है लगातार खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यह आ रही है कि यहां पर जो ये टॉकीज आपको नजर आ रहा है यही इस पूरी घटना का केंद्र था और यहीं पर यह पूरी घटना जो है वो गठित हुई थी। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां से शोभा यात्रा निकाली जाती है। दो बार शोभा यात्रा आती है तो यहां पर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जब तीसरी बार शोभा यात्रा आती है तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर पत्थरबाजी होती है। ये पत्थरबाजी दो समुदायों के बीच में होती है, कहा जाता है एक तरफ से इसकी शुरुआत होती है वो इस पक्ष से आती है बड़ी संख्या में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कांच जो है वो नजर आएंगे, ये बिखरे हुए कांच। हालांकि आज सुबह यहां पर साफ सफाई जो है वो कर दी गई है, पुलिस प्रशासन लगातार यहां मौजूद है और साफ सफाई से लेकर तमाम जो कानून व्यवस्था काम है वो चल रहा है। पुलिस की ऐसी तमाम गाड़ियां जो है वो आपको यहां नजर आ जाएंगी। 15 ऐसे हैं जिन्हें अब तक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, वो लगातार यहां जांच पड़ताल चल रही है। सियासत में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि एक पक्ष ये है जहां इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो पत्थरबाजी कर रहा था जहां से बड़ी संख्या में जो हमले हुए हैं वो हुए हैं, और दूसरा पक्ष जो है वो इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ उस तरफ से आता है। अब ये कहा जाता है कि यहां से पत्थरबाजी और डंडे जो चले हैं वो उस तरफ तक जाते हैं और वहां पर लगातार ये हमला जो है बढ़ता जाता है, लेकिन इस पूरी घटना के केंद्र में यही वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर यह घटना घटित हुई है। हालांकि इस घटना के बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये घटना जो है ये सुनियोजित है, क्या ये घटना पहले से प्री प्लान थी, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की आप बात कर ले चाहे राजस्थान की बात कर ले वहां पर भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये कोई साजिश है या एक संयोग है या संयोग के अलावा प्रयोग कहा जाए। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई और सवाल भी हैं कि यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो यहां क्यों नहीं था, लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि फिलहाल अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है ये अभी और ज्यादा बढ़ सकता है, कई और लोग ऐसे हैं जो हिरासत में ले सकते हैं। सीसीटीवी या वो वायरल वीडियोस या चश्मदीदों के जो बयान सामने आए हैं उन बयानों के आधार पर पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर जांच पड़ताल कर रहा है।